कन्वेंशनल पोचा जो है उसको बाय बाय, हम इससे पोचा लगाएंगे। हाउस शॉपिंग दिखाते हैं आप। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं। और ये चीज भी अच्छी लगी, यहाँ पे वो चेयर्स रखकर असलम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द वीडियो। आज है संडे का दिन और संडे के दिन हमारी हाउस हेल्प आती नहीं है। ये जो मेरा कमरा फिलहाल गंदा हुआ है, इसको साफ करने की जिम्मेदारी है आज मेरी। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये बाल गिरे हुए हैं, इधर बाल गिरे हुए हैं, मट्टी मट्टी गिरी हुई है, एंड बेसिकली कमरा जो है वो काफ़ी गंदा हुआ है। लेकिन इसको हम साफ कैसे करेंगे? हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे भाई, हम चुप करके चलाएंगे अपनी यूफी क्लीन बाजी को, और ये सारी सफाई और पोचा वोचा सब कुछ लगा के हमें अलर्ट कर देंगी। हो गया, सब डन। ड्रेसिंग कंसोल पे मेरी अभी नजर पड़ी तो यार ये ना एक आया हुआ था, अभी काफी टाइम से लगाना था। मैं सोचता था खुद तो मैं लगा नहीं सकता, तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा जिसके पास ड्रिल हो, क्योंकि ये बाथरूम में लगेगा। पर इट्स वेरी नाइस। ये देखो, देखो तुम भी देखो अपने आप को, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, तुम्हें पता लगेगा तुम इंसान नहीं हो, तुम डॉगी हो। जो यूफी क्लीन बाजी हमने गलती से इनको भी थोड़ा गंदा कर दिया, इनके अंदर ये होता है ये वाली ये चीज़, तो ये मैंने निकाला। ये देखें यार कितना गंद इसमें फंसा होता है। सो ये आपको निकाल के साफ भी करना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। तो अब इसको ज़रा साफ करके इसको चलाते हैं। ये हमने अपनी यूफी बाजी का जो अंदर का एयर ड्रायर सिस्टम था वो वाला भी सारा साफ कर लिया, और ये इसका एक छोटी सी ना इसका वाटर टैंक होता है, तो इसके अंदर मैंने पानी भर लिया। ये बेसिकली पोचा वोचा मारने के काम था। तो भाई साहब कन्वेंशनल पोचा जो है उसको बाय बाय, हम इससे पोचा लगाएंगे। कमरे की सफाई शुरू करनी है, इसको निकालना कमरे से बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकला तो सफाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैडम है इसमें बार बार जाके लगेंगी और उसकी दुम ना आ जाए इसके अंदर गलती से। लेकिन इन साहब को बाहर गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि भाई यहाँ पे चल रहा है एसी और इसको यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। इसको बाहर लेके जाने का एक ही तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली सीन ये है कि जितनी देर यूफी बाजी सफाई कर रही हैं, तो ये ब्रूनो का मैं प्याला लेके जा रहा हूँ, उसमें दही और अंडा मिक्स करके ब्रूनो को दूंगा, और ब्रूनो यहाँ पे अंदर खाएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, अंदर आराम से यूफी बाजी अपनी सफाई कर लेंगे। ये रहा ब्रूनो का प्याला, ये रहा दही, और बेसिकली पॉइंट ही होता है दही देने का। हम इसको बना के देते हैं कच्ची लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो कच्ची लस्सी। अंडा उसके अंदर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि भाई साहब को फ्लेवर चाहिए, वो अंडे के बगैर अपनी लस्सी पीते नहीं। गाइस ये ब्रूनो का अंडा बन रहा था, इसके अंदर हमने जो इसके शेल्स हैं वो भी मिक्स कर दिए हैं, किस वजह कुत्तों के दांतों के लिए अच्छे होते हैं। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर, एंड थोड़ा पानी भी डालो। आ जाओ ब्रूनो, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। अब ब्रूनो साहब चले गए, क्योंकि आराम से बोलता तो ये कभी भी ना जाता। अब सफाई कर लें, सुबह सुबह चले कॉफी भी पी लेते हैं। इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एस्प्रेसो शॉट पीने वाला हूँ, तो मैं एस्प्रेसो शॉट नहीं पीने वाला, मैं आइस कॉफी पीने वाला हूँ। ये मैंने आइस कॉफी का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। रोटी भी ठंडी हो रही है। कहाँ है रोटी? ये रखी इसके नीचे। कॉफी हो गई, बनवा ले तो खाते बस। खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये हमें रेड के साथ येलो ढक्कन ही मिला है, रेड ढक्कन हमें मिल नहीं रहा। और ये मैंने अभी अंडा उठाया तो ये मेरी रोटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये मैंने यूफी बाजी को ऑन कर दिया और ये अपने काम पे लग गई है। बेसिकली हमने इसको सिर्फ सैटरडे संडे के लिए रखा होता है, जब हाउस हेल्प नहीं आती, जब ज्यादा गंद हो जाए, तो फिर ये यूफी बाजी जो रोबो वैक है ये बहुत काम आते हैं। अच्छा यार, इफ यू आर फैमिलियर विद हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, अब सोशल मीडिया पे आपको अच्छे लोग तो मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन यार आज मैं उठा और मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपको एक वॉइस नोट है मुझे किसी ने भेजा, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, माशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहो, और जो लोग गलत कमेंट करती हैं या गलत कुछ कहती हैं, तो एक्चुअली वो लोग अपने गिरेबान भी देखें तो सबसे बेस्ट होगा। लोगों को ना देखें, लोगों को सिर्फ उनको पसंद करें, ठीक है ना। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, काम कर, ये भी काम ही है ना बेटा एक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। तो यार जैसे ही मैंने वॉइस नोट सुना ना, मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि यार देखो कितनी पॉजिटिविटी है लोगों में, मतलब कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी अप्रोच है लोगों की। ये जब मैंने देखा ना तो यार लिटरली मेरा दिल खुश हो गया। गाइस हमारे वालिद साहब ने हमें अभी भी बुलाया और बोला कि भाईजान तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं घर देखने। आपने बहुत दफा देखा होगा, अच्छा यार कार शॉपिंग पे कोई जा रहा है, ग्रोसरी शॉपिंग पे कोई जा रहा है, कोई और चीज लेने जा रहे हैं, हम हाउस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाउस शॉपिंग दिखाते हैं आपको, बेसिकली हम जा रहे हैं घर देखने। अब वहां जाके जरा आपको ये दिखाते हैं कि कौन
कौन से घर हमें पसंद आते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि नक्शा देखना होता है, साइज घरों का एक ही होता है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि 10 मरले का अगर घर है, अब सारे 10 मरले के घर साइज तो 10 मरले का ही है, अब उसके अंदर जो नक्शा होता है वो चेंज होता है, उसमें मटेरियल क्या लगा हुआ है, उसका मतलब बेसिकली ड्राइंग रूम कहाँ से खुल रहा है, उसके बेडरूम का साइज क्या है, उसका लाउंज कितना बड़ा है, और भाई साहब हमारा जो किचन है वो बहुत छोटा है तो हमें उस किचन से बहुत ज्यादा इशूज हैं, सो वी वॉन्ट अ बिग किचन फॉर आवर सेल्फ। सो हमारे वाले साहब ने हमें बोला कि भाई तैयार हो जाओ, जाते हैं जरा घर देखते हैं, जरा देखते हैं कि क्या पसंद आता है, किस तरह का नक्शा हमें पसंद आता है, क्या है, कौन सा घर है, किस घर में क्या चीज है, क्या मटेरियल यूज हुआ है, वो तो जाके पता लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अलमारियां बनी हुई हैं, ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी की नहीं है, ये जैसे बाथरूम का फॉर एग्जांपल दरवाजा है, दिस इज नॉट प्योर वुड, तो मतलब अपने घर में बंदा जाता है कि भाई बेस्ट चीज लगे। चले आंटी, हमें हेड क्वार्टर यानी कि अपने वालिद साहब से ऑर्डर ये भी आया है कि अपनी अम्मी को भी साथ लेके चलो, तो बड़े आराम से अम्मा सो रही थी तो नींद से मुझे जगाना पड़ा कि अम्मा जरा चलें, क्योंकि तीसरी दफ़ा रेडी बोल चुके हैं, क्योंकि अम्मा तंग आ चुकी हैं। अम्मा कह रही हैं कि यार हर दफ़ा ना मुझे सुनहरा ख्वाब दिखा के ना, तो वो जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है, तो इस दफ़ा मेरे नहीं जाना, मतलब मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतनी दफ़ा बोल रहे हैं, अब वाकई सीरियस हैं तो हम चलते हैं। अम्मा आप देख सकते हैं कि अभी भी नींद से उठी हैं, जैसी शक्ल बनाई हुई है और दिखा रहे हैं सबको, वेट कर रहे हैं आपके हस्बैंड। अच्छा तो मैं कपड़े बदल लूँ, अभी बदलने हैं, ऐसे ही चलो, कुछ नहीं होता अम्मा। हाँ हाँ बस सही है, चलो फिर तो और बेहतर है। हम दोनों को रेडी करा के, अब डैडी ठीक ठाक टाइम ले रहे हैं, अपना रेडी हो रहे हैं, वो इतनी देर से बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और जब जाने का टाइम है तो वो रेडी नहीं है। नहाएंगे धोएंगे नमाज पढ़ेंगे तैयार होंगे बाल बनाएंगे, दाढ़ी को निकालिए खुल के, हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, जो भी ऑप्शन हम देखते रहेंगे आपको दिखाता जाऊँगा। पहला ऑप्शन है ये घर बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होगा, बट आपको समवट आइडिया हो जाएगा नक्शे का कि है क्या। ये दो गाड़ियों की जगह यहाँ पे पोर्च पहुँच है, इसमें बेसमेंट भी है, सो दिस इज़ विद बेसमेंट, ज़्यादा काम हो रहा है तो चलो यहाँ से देखते हैं। अच्छा बेडरूम बनाया हुआ, ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज ड्राइंग रूम इज सपोज टू बी ड्राइंग रूम एंड इन्होंने ड्राइंग रूम की जगह बेडरूम बनाया हुआ है, बिकॉज अलमारियाँ लगाई हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं, ये मेन डोर है, एंड व्हेन यू कम इन ये किचन है, किचन का साइज इज नाइस, ठीक है, रिलेटिवली लाइक बेसिक मॉडल। नक्शा शायद आपको समझ आ रहा है, वहाँ पर सिंक आता है, वहाँ पर चूल्हा आएगा, एंड ये लाउंज है, रीजनेबल है, इट्स नॉट वेरी बिग, जो हमारे करंट लाउंज है उससे छोटा। कैसा लग रहा है ये? अच्छा कमरे जो दोनों है ना, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हैं दो कमरे, एक कमरा है इस साइज़ का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो अलमारियाँ हैं ना वो यहाँ पे, हम ये बेसिकली चाह रहे हैं कि अलमारियाँ अगर हों तो वो उस साइड पे हों, बेसिकली कमरे के अंदर वॉल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे टीवी लगाते हैं, साइड पे ड्रेसिंग टेबल रख सकें, यहाँ पे अगर आपका बेड आ गया। एक ये कमरा है, इसका बाथरूम ज़रा देखें, बाथरूम का साइज़ कितना है, हाँ बाथरूम भी छोटा है यार, बाथरूम भी छोटा, ज़ाहिर है फिटिंग्स जब आएंगी तो ये ठीक ठाक छोटा होगा। दूसरा कमरा आपको दिखाता हूँ, अब दूसरे कमरे में क्या है कि सेम साइज़ का, एग्जैक्ट सेम साइज़ का, वही नक्शा वही सारी चीज़, एंड यहाँ से जब मैं आता हूँ आगे तो यहाँ पे ये भी सेम साइज़ का बाथरूम है, तो बाथरूम ज़रा नो नो। ये जो अंदर आपको स्पेस नज़र आ रही है, क्योंकि बेसमेंट बना हुआ घर का, तो ये इन्होंने वेंटिलेशन के लिए छोड़ी हुई है जगह, अदरवाइज ये भी सारी स्पेस हो जाती है, और ये क्योंकि 10 मरला है, ओपन किचन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खुला लगता, अगर क्लोज हो जाएगा तो क्योंकि ये स्पेस इतनी कोई ज़्यादा है नहीं तो फिर ये छोटी लगती, 10 मरले में ओपन किचन ज़रा थोड़ा सा बेहतर लगता है, थोड़ा खुला खुला लगता है। पहले वाला जो घर था ना डैडी को अच्छा लगा ना मुझे अम्मा को, तो हम जल्दी वहाँ से निकल आए, ऊपर वाले फ्लोर में वहाँ पे थे 3 कमरे और नीचे थे 2, क्योंकि 10 मरला ही है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वर्साची का गेट लग रहा है यार, वाकई। और ये थोड़ा सा बना हुआ है तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अच्छा गाइस ये बेसिकली पोर्च है, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आती हैं, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो ये एक पाउडर रूम है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। पाउडर रूम का साइज़ ज़रा देखें कितना है, अच्छा है काफ़ी छोटा बिट, चले है एटलीस्ट। यहाँ से हम आते हैं तो ये है ड्राइंग रूम, इस घर में आपको ज़रा बेहतर समझ इसलिए आएगी क्योंकि ये है ज़रा फिनिश्ड घर है, मतलब सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर, पिछला जो था वो बन रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये बेसिकली ड्राइंग रूम है यहाँ तक, एंड मेरे हिसाब से वैसे ये मतलब खुला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड नहीं, मतलब सेग्रीगेटेड सा हो। अच्छा ये है इसका लाउंज, ये इसका लाउंज है, यहाँ पर लाइटें ज़रा ऑन करें। अब इस लाउंज में क्या सीन है, अगेन ओपन किचन यहाँ पे
आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो किचन है ना वो बड़ा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि पिछले वाला जो था उसका एक बेसमेंट था और उस बेसमेंट की वजह से ये वाली साइड थोड़ी कम थी। अब यहाँ पे बेसिकली फ्रिज आता है, ये अब काफ़ी बड़ा किचन है। लाइक आपको चलने फिरने के लिए काफ़ी आपको रूम मिल जाता है। ये आपका बेसिन है, ये आपका चूल्हा लगा हुआ है, यहाँ से दरवाजा है बाहर जाने के लिए और बेसिकली गली है यहाँ पे। ये वाला किचन कैसा है? ये बेहतर है, अच्छा है, खुला है। इसका बेहतर लगा ना? और ये भी, ये चीज भी अच्छी लगी, यहाँ पे वो चेयर्स रखकर तो हाँ खाना। लाउंज भी काफी डिसेंट साइज का लाउंज है। ये इस वाले रूम की मुझे थोड़ी अप्रोच थोड़ी बेहतर लगी कि ये अलमारियां यहाँ पे, ये आपके पास हर तरफ वॉल्स हैं और यहाँ पे आपके पास बाथरूम का दरवाजा है। बाथरूम का जरा साइज देखें यार, कमोड आ गया है यहाँ पे, तो ये मतलब थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है बाथरूम। आई थिंक बाथरूम कुड हैव बीन बेटर, बाथरूम थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। दूसरा एक कमरा है, ग्राउंड फ्लोर पे दो कमरे हैं, ऊपर तीन कमरे। अब यहाँ पे एक और कमरा जरा देखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ना, ये परफेक्ट है। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि हर तरफ देखें, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, और यहाँ पे हाँ छोटी सी बस यहाँ पे अलग से जगह, इसकी वजह से इसका बाथरूम ज्यादा छोटा है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ है। तो बेसिकली जो सारा ग्राउंड फ्लोर है वो तो हमने कवर कर लिया, किचन हो गया, दो बेडरूम्स हो गए, एक लाउंज हो गया, एक ड्रॉइंग रूम हो गया, कार पोर्च हो गया और यहाँ पे पाउडर रूम हो गया। अब जरा ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाते हैं। ऊपर वाला यूजली थोड़ा ज्यादा खुला होता है, वहां से सीढ़ियां आ रही थी, यहाँ से आप जैसे ही आते हैं तो अगेन यहाँ से तो सेम नक्शा है, यहाँ से तो 100% सेम है, कोई फर्क नहीं है। किचन भी एग्जैक्टली सेम, लेकिन ये ज्यादा आपको खुला इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे वो गली नहीं जा रही, हाँ वो दरवाजा नहीं है और बाकी तो सेम है। और यहाँ पे भी ये वाला नक्शा जो कमरे का था वो एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। दूसरे वाला कमरा देखता हूँ, वो सेम है ये, हाँ ये भी सेम है। यहाँ पे ये बेसिकली जो घर बना होगा ये आई फील रेंटल पर्पस के लिए बना होगा क्योंकि चार बेडरूम है, यूजुअली होते हैं पांच बेडरूम। ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं क्योंकि दीवार नहीं है, बट ये अलमारियां यहाँ पे दी हुई है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों दी हुई है। अब मैं ड्राइंग रूम में अलमारी कौन देता है? गाइस अम्मा को बड़ी टेंशन होती है कि हम जहाँ शिफ्ट हों वहाँ पे पानी आ रहा है। ये थोड़ा बेहतर, हाँ ये बेहतर है, लेकिन खैर बना तो ये भी मुझे नहीं समझ आता कि दो दो का पॉइंट क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा बेहतर है। मतलब ये रिलेटिवली साइज वाइज के हिसाब से ये था बाथरूम, ये थी इसकी अलमारियाँ। अब यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये देखते हैं, अच्छा ये टेरेस है, सो बेसिकली दिस इज़ द टेरेस और यहाँ से गली जा रही है ये वाली, अच्छा ये साइड वाली गली है। सो बेसिकली अगर वो चाहता तो वो किचन से भी दरवाज़ा दे सकता था बाहर का, बट उसने नहीं दिया। यहाँ से चलते हैं एंड इसको हम करते हैं बंद। गाइस आप लोग ज़रा बताएं हमें कमेंट्स में कि ये वाला आपको कैसा लगा, इस पर ज़रा फीडबैक दीजिएगा। जो बातें मैंने कही हैं क्या वो बातें सही हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है। और सबसे बड़ा बमर यहाँ पे ये, एक एक्स्ट्रा कमरा जो ऊपर वाले पोर्शन में बन सकता था वो नहीं बना, ऊपर वाले ड्राॅइंग रूम के चक्कर में एक पूरा कमरा चला गया। वरना ये आप नोटिस करें, एक मास्टर बेडरूम बन सकता था। लेट्स से ये बंद होता है, ये अगर दीवार होती और यहाँ से दरवाज़ा होता है, ये दीवार होती वहाँ से दरवाज़ा होता तो ये एक बेडरूम था। लेकिन चले कोई नहीं, सेम बनाया है उसकी मर्जी। तो ये सीन है, तो यहाँ से जब आप ऊपर जाते हैं, मैं ऑल द वे जा नहीं रहा लेकिन ऊपर एक ममटी है, ममटी छोटी सी, बेसिकली आप स्टोर के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं और साथ छत है। लाइटें बंद कर दूँ एक मिनट, नहीं नहीं ये ऊपर की तरफ हो गए, चलें चलें, पता नहीं डैडी ने कुछ और सोचा था या हम घर जा रहे हैं, अभी फिलहाल में कुछ नहीं पता। अच्छा ये एक छोटी सी जगह थी क्या? एक और घर दिखाना है। डैडी तो बोल के आए थे कि दो देखने, पीछे पीछे भी गली है ना, यहाँ आओ दिखाऊं, ये गली है बेसिकली, किचन का दरवाजा यहाँ से निकल रहा है ना, ये तो बहुत अच्छा है, ये मगवा अच्छा है, इस तरह होना चाहिए। और यहाँ से ये गीजर लगा हुआ है एंड एक गली, बेसिकली दो गलियाँ छुटी हुई है, एक गली यहाँ से छुटी हुई है और एक गली यहाँ से, इतना तो होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, चेयर वगैरह रख के बैठ सकते हैं, इतना खुला है। जरा देखते हैं लेडी का प्लान है क्या। बेसिकली हमने वहाँ पे जितने घर देखे उतने ही देखे, उसके बाद हमने कोई घर नहीं देखा, उसके बाद हम आ गए घर और अब मुझे लग रही है बहुत जल्दी भूख। ये मैंने खाना माइक्रोवेव में रख दिया कि भाई जल्दी हो जाए। ये मेरी तहारी और चिकन। गाइस निगत्स किचन यहाँ पे अपनी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी, देखिए लाइटें शाइटें फुल ऑन लगा के ना, ये क्या बन रहा है? ये बहुत स्पेशल चटनी बन रही है, मैंने खास हमजा से कहा है कि आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाएं
और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं वो भूखू लगी कि जी एक स्पेशल चटनी मैंने बनाई है इंतहाई शानदार। और कौन सी चटनी है वो आपको बताती हूँ, मैंने आड़ू की पीच की चटनी बनाई है, जो आजकल थोड़े से टेस्टलेस आ रहे हैं आड़ू, जैसे थोड़ा तुष्ट ज़्यादा है, खट्टे ज़्यादा हैं, तो उनकी मैंने चटनी घर में ट्राई की, वो क्या शानदार चटनी बनी। तो आज मैं आप लोगों के लिए चटनी लेकर आई हूँ, तो मेरी रेसिपी कल लगेगी इंशाल्लाह ताला, आप सब लोगों ने देखनी है, बनानी है और इंजॉय करनी है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा गाइस, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे अभी तक उनके दिमाग में काफ़ी सवाल होंगे कि क्या सीन है भाई, घर लेने जा रहे हो, शॉर्टलिस्ट करने गए या नक्शा डन करने गए, बेसिकली सीन क्या? बेसिकली सीन ये है कि यस वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, अब हमारे पास एक प्लॉट ऑलरेडी है जिसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करानी है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कराने से पहले एक नक्शा होता है, एक मैप होता है जो फाइनलाइज करना बड़ा जरूरी होता है। अब ये जैसे आप किचन देख सकते हैं जिस घर में हम ऑलरेडी रहते हैं, मैसी मैसी तो ना दिखाओ, खैर हमारा किचन बहुत गंदा हो क्योंकि अम्मा अपनी रेसिपी बनाती है, और जब रेसिपी बनती है और संडे वाले दिन होता है जब हाउस हेल्प नहीं आती तो फिर किचन का तो यही हाल होता है। खैर सीन है कि जब आप रेंट पे रहते हैं तो फिर आप इतना ज्यादा उसको नोटिस नहीं करते कि कमरों का क्या साइज है, आप कहते कि ठीक है मतलब मेरी रिक्वायरमेंट पूरा उतर है चले मैं रह लेता हूं, लेकिन जब आप अपने रहने के लिए घर बनाते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि परफेक्ट हो। तो बेसिकली हम कोई आई थिंक 10-20 घर देख चुके हैं जिसमें सिर्फ दो मैंने आपको दिखाए, तो हमारी अम्मा दुआ करें कि भाई हमारे वालिद साहब को पसंद आ जाए जल्दी। कोई वालिद साहब को पसंद तो आए हुए हैं, लेकिन अब बस शुरू कर दें बिस्मिल्लाह करके, आप भी हमारे लिए दुआ करें कि वो शुरू कर दें, शुरू करने करने में उन्होंने 3-4 साल लगा दिए तो इसलिए हम चाह रहे हैं नहीं, लेकिन इस दफा हो जाएगा, इस दफा डैडी बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत प्रोएक्टिव हुए हैं और ऑलमोस्ट रोज जा रहे हैं, रोज घर देख रहे हैं, पर अभी मुझे इसीलिए बोले थे कि आज मेरे साथ लाजमी चलो, मैं 3 दिन से उनको ना टरखा रहा था कि मैं नहीं जा रहा मुझे काम है ये, तो आज वो जबरदस्ती मुझे लेके गए कि नहीं आज तुम चलो, मुझे कुछ चीजें तुम्हें दिखानी है जो नक्शे रिलेटेड है। वो मुझे वही दिखा रहे थे कि कमरे में देखो ये चीजें इस तरीके से करते हैं, ये चीजें हम इस तरह से करते हैं, चेंजेस होते हैं, कुछ ट्वीक्स होती हैं जो मुझे बता रहे थे कि घरों में नक्शों में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये बेसिकली जाहिर सी बात है फाउंडेशन है तो ये आप खराब नहीं कर सकते। हमारी अम्मा को ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि भाई उनको तो इस डिपार्टमेंट से दूर ही रहना होता है, वो कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बस अब शुरू कर दें, दुआई करते हैं शुरू कर दें, और जाहिर बात है जब शुरू करते हैं तो अल्लाह मदद करता है, और पूरा भी अल्लाह ही करता है, हर चीज अल्लाह ही पूरी करता है, तो ये जो घर का काम और शादी का काम जो होता है ना आप शुरू करें, पूरा अल्लाह साथ देता है, साथ देता है, तो बस हम यही चाहते हैं, बहुत गर्मी है, हम यही चाहते हैं कि शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जाहिर बात है पूरा भी हो जाएगा, तो बस आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें। और जिन लोगों के घर नहीं है उन लोगों के लिए मैं खुद बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, क्योंकि हमें पता है ना कि बेशक आप जितने मर्जी अच्छी जगह रह लें अच्छे घर में रह लें, लेकिन अपने घर छोटा सा भी हो तो उसकी बात ही और होती है, तो क्योंकि वो अपना होता है, तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नसीब करे अपना घर में रहना, और ये जो नेमत है ना ये अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोहताजी है, अल्लाह ताला अपने घर से हम सबको नवाजे, सबके लिए मैं दुआ करूँ। आज का दिन बहुत ही ख्वारी का दिन था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था, मैंने कहा मैं एक गुड न्यूज़, एक जो मेजर गुड न्यूज़ है मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों से शेयर करूं। भाई हम भी फाइनली घर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन घर बनाने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, नक्शे का होता है, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेनी होती है कि कैसा घर चाहिए, क्या चाहिए, ठेकेदार कौन सा होना चाहिए, इंजीनियर कौन सा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना है कि नहीं देना, खर्चा कितना आ रहा है, ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार आप लोगों को मैं आज बता के रहूंगा कि बेसिकली ये गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है, सॉरी पहले से मैं कान पकड़ के आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ कि यार ये एक और गुड न्यूज़ है, जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा था और जिसके बारे में मैंने बहुत हवा बनाया हुआ था वो कुछ और है, और वो मैंने डिसाइड किया, वो वाली जो गुड न्यूज़ है जो मैंने सीक्रेट रखने का सोचा था तो वो भी मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आप लोगों को बता देंगे। पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि जब हो जाएगी, अब उसके होने में है तकरीबन 2 महीने, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे यूके आप लोग जाने थे, वहां पे जाके डिस्क्लोज करेंगे, तो अनिया और मैं ये चाह रहे थे कि हम दोनों एक साथ हों फिर हम आप लोगों को बताएं, तो भाई तब तक के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आपने से काफी लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि आपने स्किन केयर करना छोड़ दी है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे मैंने स्किन केयर करना वाकई छोड़ दी है, तो वो थोड़ी सी मैं डेडली मार रहा था, मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट अगर स्किन केयर नहीं कर रहा तो मुंह तो धो सकता हूं, तो मैंने फेस वॉश पकड़ता हूं, मुंह धोता हूं, दिस इज द मिनिमम थिंग दैट आई कैन डू। चैलेंज तो मैंने नोटिस किया कि ये वाला जो फेस वॉश है ना इससे बेहतर है ये वाला फेस वॉश, ये क्रीम टू फॉर्म है, ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी दिस इज नाइस बट दिस इज बेटर, इसका और लेना पड़ता है, उसमें झाग इतनी बन जाती है कि मुंह आराम से साफ हो जाता है। ये मैंने अभी नोटिस किया, मेरे माथे पे एक बल्ब निकला हुआ है, तो यार आई रियली होप मेरे दाने जो पहले ही खत्म हो जाए, दाढ़ी भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, दाढ़ी भी थोड़ी कम करनी है,
बस मुंह धो लेते हैं। यार ऐसे स्किन केयर रखनी जगह, लेकिन अगर आप सिर्फ मुंह भी धो लेना तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, अपना मुंह धोता हूँ तो बाकी साथ ही लगता है। तो चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।